मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि जब हम लोग अपनी पहली जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर हमारी पहली सैलरीज मिलती हैं, स्टार्टिंग के एक दो साल हमारे जो जॉब के होते हैं, उस टाइम से ही हम लोग अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे अपने पैसे को काम पे लगाएं कि हम स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियली सिक्योर होने के रास्ते पर चल पड़ें। क्योंकि क्या होता है कि आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और यंगस्टर्स जब स्टार्टिंग में कमाना शुरू करते हैं तो उनके पास कुछ बचता नहीं है, ये उनको लगता है। तो इसके लगने से लेकर के एक्चुअली में होता क्या है, बचत कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और कैसे आप पैसे उस पैसे से एक बेस्ट अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। किसी भी चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ेस, राइट? तो थिंक अबाउट दैट, थोड़ा सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचिएगा किस तरीके से मैंने मैनेज किया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरा पर्सनल रूल मैं आप लोग बताऊंगा। बहुत सारे रूल्स ना ऐसे बना देते हैं लोग, तो वो मुझे सही नहीं लगता है। हमारे हिसाब से, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए सही रूल, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने चाहूंगा। तो चलिए, पढ़ाई लिखाई करने से पहले और अपने व्हाइट बोर्ड में जाने से पहले, पूरी चीज़ें समझाने से पहले मैं बता दूं कि मैं सागर डोडेजा, मैं एक एक्स आईएएस ऑफिसर हूं। मैं अभी करेंटली फुल टाइम टीचिंग करता हूं और मेरा टीचिंग मेरा पैशन है। साथ ही साथ यूट्यूब एज अ हॉबी मैं परस्यू करता हूं, जहां पे मैं आप लोगों से सही बात, सटीक बात, बहुत ही साफ शब्दों में और बिना किसी एम्बिग्यूटी के, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं। यही मेरा एम है यूट्यूब से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत है तो जान लगाने की। जान लगा दो या फिर जाने दो। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं फाइनेंस फॉर न्यू अर्नर्स। मतलब अगर अभी आपने कमाना स्टार्ट किया है या फिर अभी जस्ट आप कमाने वाले हैं, तो कैसे आप अपने प्लान कर सकते हैं बजट को, साथ ही साथ इफेक्टिवली लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात, मैं सीधा सीधा स्टार्ट करूंगा और अपना रूल बताऊंगा आप लोगों को कि जो मैं रूल फॉलो करता था अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 ईयर्स में, पहले 2 सालों पे जो जितने भी मैंने जॉब वगैरह किए वहाँ पे, जो फर्स्ट 2 ईयर्स में जो मैं रूल फॉलो करता था, अब नहीं करता वो, क्योंकि अभी सैलरी बढ़ गई है, अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी करने लग गए हैं, बिजनेस करने लग गए हैं, तो अभी वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो वो भी अपन कभी आगे आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर्स में जो हम करते थे उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 ईयर्स में आई यूज टू फॉलो दिस रूल, 50:20:15:15 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा समझिएगा। ये आपकी टोटल इनकम का 50% बता रहा है, टोटल इनकम का 20%, 15% एंड 15%। जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी वो थी शाहपुरजी पालूनजी कंपनी लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसमें लगी थी। और यहाँ पे जो हमारा पैकेज था वो था 30,000 पर मंथ का, 30,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में, 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 की। एक रेप्यूटेड कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो 2012 अभी भी जो नॉर्मल मैं देखता हूँ जो जॉब अगर लगते हैं तो 30,000-35,000-40,000 ऐसे ही लगते हैं, कभी कभी 50-55 भी जा सकता है। बट फिर भी मैं अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मैं भी 30,000 से ही लूँगा। आपकी अगर मान लो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में सैलरी से कम या ज़्यादा है तो भी ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल है, गिवन दैट यू आर इन द फर्स्ट 2 ईयर रेंज, सो दिस हैज़ टू बी फॉलोड। उसके बाद का क्या करना है फिर अपन आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे 30,000 रुपीज़ है, 30,000 रुपीज़ का सिंपली पुट 50% ऑफ दैट आई यूज टू स्पेंड इन माय लिविंग, इन माय करेंट नीड्स। मतलब जो आज के लिए, प्रेजेंट के लिए जो चाहिए चीज़ें, उन नीड्स के लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इनमें हम 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर सैलरी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 30,000 पर मंथ का 15,000 रुपीज़ कैन बी यूज्ड एज
फॉर योर नीड्स. नीड्स में वो हर चीज़ आती है जिसमें कि आपका फूड आता है, आपका रेंट होता है, आपका जो बेसिक क्लोदिंग वगैरह होती है. बेसिक क्लोदिंग ज़्यादा फैशनेबल ब्रांडिंग वैंडिंग ब्रांड्स वगैरह पे नहीं जा रहे. मोर ओवर कोई कॉम्प्रोमाइज़ फूड में ना किया जाए. नो कॉम्प्रोमाइज़ इन द फूड. फूड कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि बाहर खाना खाओ और ऐशो आराम से बिल्कुल एकदम फाइव स्टार होटल में जाके खाना खाओ. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का मतलब ये है फूड में कि आप यहाँ पे अच्छे फ्रूट्स, हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स, उसके अलावा आप जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आप अपने डाइट को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड वे में ओट्स खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसे भी आप हैं, हम तो वेजिटेरियन है तो उस हिसाब से वी नीड एवरीथिंग. इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ इन द फूड. ठीक ठाक जगह पे रहना या फिर हो सके तो शेयरिंग करके अपार्टमेंट वगैरह में रहना और ठीक ठाक क्लोदिंग जिसमें कि यू लुक डिसेंट इनफ. इस तरह की चीज़ में 50% ऑफ द इनकम वी कैन स्पेंड एवरी मंथ. ओके, आफ्टर दैट दिस 20% पार्ट, ये जो 20% पार्ट है ये हमारे वॉन्ट होते हैं. दीज आर द वॉन्ट्स. वॉन्ट्स मतलब हमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं अपनी कि हमको ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये चाहिए, वो चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को शौक है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, तो मोबाइल हो गया, ठीक है, या फिर कोई नया ईयरफोन आ गया. इस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. कोई मुझे ब्लूटूथ स्पीकर पसंद आ गया जो मुझे चाहिए, म्यूज़िक का शौक है तो वो हो गया. उसके अलावा मेरे को कोई ब्रांडेड क्लोथ वंस इन अ वाइल परचेज करना है तो वो ब्रांडेड क्लोथ हो गया. तो इस तरह की जो वॉन्ट्स हैं, मतलब जो अगर नहीं भी होंगे, बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन हाँ मेरे को चाहिए, मतलब ऐसा कोई फ़ोन होगा तो आई वुड बी लाइक यू नो मोर प्रोडक्टिव और मे बी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी अभी नया नया भी सैलरी वैलरी कमाई है, थोड़ा तो बनता है यार. अगर आप लाइफ में इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या ही है ना. तो इसी कारण 20% ऑफ दैट फॉर वॉन्ट्स. इसमें मतलब आपका पर मंथ हो गया 30,000 का 20% हो गया 6,000 रुपीज़ पर मंथ. तो यू कैन डिवोट 6,000 रुपीज़ पर मंथ इन दिस. Now coming to this 15 and 15 part, 15% and 15%. Let me explain you here, 15 and 15 part. 15% of the income I used to save, isko main save karta tha in long term investments and other 15% in short term investments. दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है. कहां पे मैं इन्वेस्ट करता था मैं आपको बता दूंगा. 15% वॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर 15% वॉज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जैसे कि मेरा भरोसा है म्यूचुअल फंड्स पे और LIC पे और ओकेजनली स्टॉक्स पे, स्टॉक मार्केट पे. तो म्यूचुअल फंड्स, LIC, स्टॉक मार्केट, इन सब पे अपना भरोसा है. इन तीन चीज़ों को मैं मानता हूँ ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं. LIC करा लिए 20 साल 25 साल के लिए प्रीमियम पे करते हो. म्यूचुअल फंड्स आज नहीं, कुछ सालों के बाद ही ग्रोथ देंगे, 10 15 20 सालों के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे. आज मैं देख रहा हूँ उस चीज़ का रिजल्ट. 2012 से लेकर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था आज 2020 पे आ गए हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ उस चीज़ को, विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि जो मैंने किया था वो एक्चुअली मैं अच्छा किया. माय मनी हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इन दोज थिंग्स. तो ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको, मैं जब रिकॉल करता हूँ इन चीज़ों को लॉन्ग बैक तब इसका इंपॉर्टेंस मुझे आज समझ में आता है. इसी कारण मैं आपको आज से ये चीज़ बताने वाला हूँ और 5 साल के बाद आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए शायद फिर से कमेंट करेंगे. स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक्स को समझना पड़ता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है फिक्स डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट्स. सेविंग अकाउंट होते हैं ना जिसमें कि आपको, जब आप सेविंग अकाउंट बैंक में पैसे रखे रहते हो अपने, तो 4-6% का तो ब्याज अपने आप मिलते ही जाता है. फिक्स करा के आप 7-7.5% तक के आप जा सकते हो. एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बजट है ना, तो उसमें भी और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उनको बोलते हैं जिनका टेन्योर लेस देन और इक्वल टू 5 years होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनको बोलते हैं जिनका टेन्योर ग्रेटर देन 5 years होता है. ठीक, लेस देन इक्वल टू 5 years अगर है तो ऐसे में FD आप 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की, लॉकिंग पीरियड 3 साल का रख करके उसको आप कभी भी 4-5 साल में विदड्रॉ करवा सकते हैं. सेविंग्स अकाउंट बैंक में रख सकते हैं, 4-6% का ब्याज इसमें आपको मिल जाएगा. उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज़ पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है जो कि आप पे एक बार में बर्डन नहीं डालती. वो रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डाल सकते हैं.
मोरवर एक स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की, जो कि होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आप एक बार में एक मुश्त 50,000, 30,000, 40,000 का एक NSC बनवा करके रख सकते हैं, 5 साल में आप उसको विदड्रॉ कर सकते हैं। एक और स्कीम होती है, उसको बोलते हैं MIS, MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इसमें आप एक मुश्त 1-2 साल में जो आपने जमा किया है वो एक बार में आप जमा करिए, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट आपको हर महीने वहाँ से मिलता रहेगा, और आपका जो प्रिंसिपल है वो वैसा ही रहेगा। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। टैक्स डिडक्शन होता है इसमें 80C से, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो रिटर्न्स आते हैं, इंटरेस्ट आता है, उस पर फिर टैक्स लगता है, ठीक है, वो तो मोस्टली सभी में लग जाता है। तो ये हो गए हमारे इन्वेस्टमेंट पार्ट। एक मिनट अब इसमें बताऊँ मैं कि ये जो 15% है, तो आप ये देख पा रहे होंगे इसका 4,500 इसमें, 4,500 इसमें, ऐसा करके आप 9,000 रुपये सेविंग भी कर रहे हैं, आप 6,000 रुपये अपनी वॉन्ट्स में, 15,000 टोटल हो गया, और 15,000 रुपये अपनी नीड्स में लेकर के जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो, और स्टॉक मार्केट की बात करूं तो, मुझे एक ऐप जो मैं यूज़ करता हूं अभी, क्या है, क्योंकि अपने पास डेटा बहुत सारा है, इस डेटा को मैनेज करना, इस डेटा को आपके सामने एक प्रेजेंटेबल वे में प्रोड्यूस करना, ये काम करता है हमारा एक, मेरा एक पर्सनल फेवरेट ऐप है, दैट इज़ कॉल्ड एज अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स ऐप मुझे सही लगता है क्योंकि इस ऐप में बहुत ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब मैं ऐप की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं, कुछ लोग समझते हैं ये ऐप सेफ है कि नहीं है, ये सब बातें करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप ऐप में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐप एक माध्यम है आपको आपको आपके इन्वेस्टमेंट से जोड़ने का, और चीज़ों को आपको एक पर्सपेक्टिव में बता दिखाने का कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतने रिटर्न मिलेंगे, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इतने रिटर्न मिलेंगे। तो ये एक मीडिएटर है विदाउट एनी चार्जेस एट ऑल, कोई चार्जेस नहीं होते। रतन टाटा ने भी इनको बैकअप किया है, इन पे फंडिंग की है बहुत अच्छी, और ये इनके 1 मिलियन डाउनलोड्स भी हैं। अपस्टॉक्स ऐप में आप ट्रेडिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आप जा करके 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे, जहाँ पे आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट डाल बना सकते हैं, अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डाल करके, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका एड्रेस, पैन कार्ड डिटेल वगैरह वगैरह, और एक डीमैट अकाउंट फ्री में अभी बन जाएगा। उसके बाद यू कैन फ्रीली यूज़ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर योर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट नीड्स। इसके अलावा आप स्टॉक्स फ्री एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं वर्थ मोर देन 28,000 रुपीज़, और इसके बारे में भी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आपके सामने जो मैंने पूरा समझाया है, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में, और ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम बहुत काम आएगा। और जब आप आगे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, बने रहिएगा मेरे साथ। इसी तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपस्टॉक्स ऐप जो है वो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है और हिंदी में भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये लोग अभी ऑप्शन देने वाले हैं आपको गूगल और एप्पल और BMW जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ग्लोबल मार्केट की तरफ जा रहे हैं ये, जो कि बहुत ही यूनिक है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेकआउट करिए। जय हिंद।